हेलो एवरीवन, आज हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाएंगे जो खाने में तो टेस्टी है ही, साथ में बहुत हेल्दी भी है और क्रीमी भी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ सॉस पैन, जिसमें मैंने डाला है पानी और इसमें मैंने डाल दिया है लगभग 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बाउल पास्ता और हम इनको अच्छे से बॉईल होने तक का वेट करेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पास्ता जो है अच्छे से बॉईल हो गया या नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने पास्ता ले लिया है, मैं इसको नाइफ से कट करके देखूंगी कि इजीली ये कट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कट हो गया तो हमारा पास्ता अच्छे से बॉयल हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल हुआ है। अब मैं इसको निकाल के इसको ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज, इनको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। फ्रेंड, इस तरीके से आप वेजेस डाल के पास्ता बनाएं, खाने में टेस्टी तो लगता ही है, हमारे लिए हेल्दी भी हो जाता है काफी। आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजेस ऐड कर सकते हैं, कॉर्न ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं इसमें, और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं गैस को कर दूंगी यहाँ पे बंद। हमें इनको बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का क्रंची रखना है कि पास्ता में इनका अच्छा सा टेस्ट आए। अब आ रही है सॉस की। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बटर, 1 क्यूब बटर की ले रही हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा बिल्कुल बारीक कटा हुआ गार्लिक, इसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी आती है, जैसे अभी मेरे घर में आ रही है, वाओ। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच ऑर्गेनो और 1/2 चम्मच ही चिली फ्लेक्स। अब इस स्टेज पर डालिए, जब ये हल्के फ्राई होते हैं तो इनका टेस्ट भी हमारी सॉस में बहुत अच्छे तरीके से आता है। जब ये फ्राई हो जाएंगे, अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच मैदा। मैदे को भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे और इसी स्टेज पे मैं फ्राई होने के बाद डालूंगी नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसको जल्दी से मिक्स कर लीजिए। अब देख सकते हैं हमारे मैदे का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास दूध। और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जिसमें इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। थोड़ा प्रेस करते हुए आप इसको मिक्स करें। अभी हमारी सॉस काफ़ी पतली है, इसको 1 से 1.5 मिनट लगेगा थोड़ा डेंस होने के लिए, गाढ़ा होने के लिए। अब देख सकते हैं हमारी सॉस गाढ़ी हो गई है पहले से काफ़ी। अब मैं इसमें हमारी फ्राई की हुई वेजेस डालूंगी। आप देख सकते हैं मैंने सारी वेजेस डाल दिए, हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी अब हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता। मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि हमारा पास्ता चिपक रहा है तो इसको ठंडे पानी से हल्का वॉश कर लें, फिर डालें।
पास्ता मैंने डाल दिया है, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सॉस थोड़ी पतली अच्छी लगती है खानी तो आप इसमें थोड़ा पानी या दूध भी मिला सकते हैं पास्ता डालने से पहले, पर मुझे थोड़ी गाढ़ी पसंद है तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया। पास्ता हमारा बनके रेडी है, अब मैं गैस कर दूंगी बंद। अब बारी है प्लेटिंग की, मैं प्लेट पे हमारा व्हाइट सॉस पास्ता निकाल रही हूँ। वाव, ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो। गार्निश करा है मैंने कोरिएंडर लीव से, धनिया पत्ते से। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेस्टी बनके हमारा पास्ता रेडी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।